कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी हो गई है। लिस्ट में 42 उम्मीदवारों के नाम है। वाराणसी से पीएम मोदी के सामने कांग्रेस के अजय राय का नाम है। पूर्व बीएसपी नेता दानिश अली को अमरोहा से मौका दिया गया है। दिग्विजय सिंह को भी टिकट मिला है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से वो चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में भी पार्टी ने 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें नागपुर सीट से विकास ठाकरे को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तो देखिए, कांग्रेस की तरफ से भी लगातार उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। लिस्ट जारी की जा रही है। जो अभी हाल ही में लिस्ट आई है, ये देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, जिन 42 उम्मीदवारों के जो नाम यहां पर है, चौथी लिस्ट है ये कांग्रेस की। और सबसे बड़ी बात ये है कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस के अजय राय का नाम। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जो है शामिल किया था, जारी कर दिया गया था पहले ही लिस्ट में। और पूर्व बीएसपी नेता दानिश अली को अमरोहा से देखिए यहां पर मौका दिया गया है। मध्य प्रदेश से अगर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अगर बात करें, उन्हें भी टिकट मिला है। और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में भी देखिए 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। नागपुर सीट की अगर बात करें, देखिए बीजेपी की तरफ से जिस तरह से नितिन गडकरी जो है नागपुर सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, और उनके सामने विकास ठाकरे को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है तमाम ऐसे अलग अलग राज्य जिनको लेकर, जिन जिन सीटों पर अभी तक जो है कोई नाम नहीं आए हैं, इनको लेकर लगातार तमाम राजनीतिक दल जो है तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे में एक एक करके नामों का ऐलान किया जा रहा है। तो ये देखिए, ये दो तस्वीरें आपके सामने है कांग्रेस की जो चौथी लिस्ट जारी की गई है, उनमें किन किन का नाम है। बड़े बड़े नाम हम आपको बता रहे हैं कांग्रेस की ये चौथी लिस्ट, और इसमें 42 उम्मीदवारों के नाम है। ये 42 प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में जो है मुकाबला करते हुए नजर आएंगे। वाराणसी से जिस तरह से बताई जा रही है बात कि पीएम मोदी के सामने कांग्रेस के अजय राय होंगे। Zee News.